हेलो फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे यहाँ के फेमस छोले कुलचे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम चने लिए हैं। ये देसी चने हैं। इसे हमने रात भर भिगो कर रख दिया था। आधा चम्मच इसमें नमक डाला है। खड़े मसालों में हमने यहाँ पर लिया है एक तेज पत्तर, दो इलायची, एक साबुत लाल मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 दाने हमने काली मिर्च के लिए साबुत के, और साथ में हमने नमक लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चने हैं हमारे अच्छे से भीग चुके हैं। इसे हमने अच्छे से साफ पानी से धोकर निकाल लिया है। अब इसे हम कुकर में डालकर अच्छे से सीटी लगवा लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब इस चनों के बीच में ना हम क्या करेंगे, एक पोटली बना लेंगे खड़े मसालों की, जो इसके अंदर डाल के ना सीटी लगवा लेंगे। उससे क्या है, इसका जो स्वाद है ना और भी बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे खड़े मसाले हैं उसे एक सूती से कपड़े पर डालकर हम उसके अंदर ऐसे पोटली सी बना देंगे और उसे छोलों में डाल देंगे। देखिए, हमारी ये पोटली बन गई है। इसे हम चनों में डाल देंगे। कुकर को बंद करके इसे 3 से 4 सीटी तक आने देंगे। और तड़के के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 टमाटर, 2 प्याज, अदरक का पेस्ट, लहसुन और 1 हरी मिर्च। और मसालों में जो हमने लिया है, तो चलिए उसे देखते हैं। उसके लिए हमने नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, हींग, चना मसाला और कसूरी मेथी। आज हम इन्हीं मसालों से अपने यहाँ के फेमस चने और कुलचे बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट। ये देखिए, हम कुकर खोल कर देखते हैं, हमारे जो चने हैं वो अच्छे से उबल चुके हैं। तो ये पोटली है ना, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसके जो खड़े मसाले हैं वो भी हम यूज़ करेंगे और जो चनों का पानी है वो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों चीज़ों को हमने फेंकना नहीं है। तो देखिए, जो हमारे चने हैं वो अच्छे से उबल चुके हैं। ये देखिए, हाथ से अच्छे से टूट रहे हैं। चनों को हम क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। और साथ ही साथ क्या करेंगे, जो पोटली में जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना वो भी हम निकाल लेंगे। अब जो ये मसाले हमने निकाले हैं ना, हम मिक्सर डाल लेंगे, उसके अंदर ये खड़े मसाले डाल देंगे। थोड़े से क्या करेंगे, इसमें एक कड़छी भरकर ना चने भी डाल देंगे। इससे क्या है, ये अच्छे से ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी और चने में ना बहुत स्वाद और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा सीक्रेट मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, लहसुन की कलियां भी डाल देंगे जो हमने पहले से ही छील कर रखी थी। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रख देते हैं। हम आगे क्या करते हैं, उसी मिक्सर जार में ना हमारे तड़के का भी मसाला तैयार कर लेते हैं। हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे, जो कटा हुआ टमाटर है, जो भी हमने मसाले के लिए सामान दिखाया था ना वो दोस्तों इसके अंदर हमें डालना है, और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तड़के के लिए तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं जो हमने पहले से ही काट के रख लिया था। इसे हम ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए, ये जो हमारे तड़के का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे, उसके अंदर हम घी डाल लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी जो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब 1 चम्मच भर कर जीरा डाल देंगे। अब जो हमने सीक्रेट मसाला बनाकर रखा था ना, उसे इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रेसिपी है। इससे क्या है, चने स्वादिष्ट भी लगते हैं तो खाने में भी बहुत मजा आ जाता है। तो आप इसे जरूर बनाकर देखना, जरूर आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये
ये मसाला देखिए अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने जो अलग से तड़के का मसाला तैयार करके रखा था वो इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट कर चलाएंगे ताकि अच्छे से भुन जाए, जो प्याज है टमाटर है उसका कच्चापन निकल जाए। आधा चम्मच हम यहाँ पर अदरक का भी पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसे हम फ्राई होने देंगे। तो मिक्सर जार में जो बचा हुआ टमाटर का वो उसका पेस्ट है ना, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से उसे घुमाकर वो भी निकाल लेंगे ताकि थोड़ा सा भी हमारा तड़के का मसाला ना वेस्ट ना हो, जितना हो सके हम यूज़ करें। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए। हमारा जो ये तड़का है ना लगभग भुन चुका है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच भर कर लाल मिर्च डाल रहे हैं, 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच भर कर हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हमने चनों में भी डाला था इसलिए यहाँ पर कम डाला है। और हम 1 से 1.5 चम्मच बड़ा भर कर चना मसाला डाल लेंगे। चने मसाले से क्या है जो ये चनों का स्वाद है ना और भी बढ़ जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से तड़के में मिक्स हो जाए। हमारा ये जो तड़का है ना देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम जो चने हैं पानी के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे। पानी हमने बिल्कुल भी इसका फेंका नहीं है, चने के साथ ही डालना है ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चने हैं वो तड़के में अच्छे से मिल जाए। अब इसे हम थोड़ी देर उबाल आने देंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाले आ जाए। ऊपर से हम क्या करेंगे, कस्तूरी मेथी डाल देंगे, इससे क्या है टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो ना हमारे उबाल आने पर पानी कम ना हो चने में और अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए। अब इसको हम 2 सीटी लगा देंगे। तब तक क्या करेंगे, हम ऊपर का एक और तड़का तैयार कर लेंगे। ऊपर से एक और तड़का लगाने से ना थोड़ा स्वाद और बढ़ता है, तो आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। हम यहाँ पर देसी घी से लगा रहे हैं क्योंकि देसी घी का स्वाद अच्छा आता है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं। आधी चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च डाल रहे हैं, आधी चम्मच धनिया पाउडर और कटी हुई हरी मिर्च। और इस तड़के को हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तड़का हमारा तैयार हो चुका है तो हम इसको चने के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए हमारे जो चने हैं 2 सीटी के बाद बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके थे। अब इसके ऊपर से हमने एक तड़का भी लगा दिया है। देखिए कितनी जल्दी बन गए ना, ज़्यादा इसमें बर्डन भी नहीं है और बनते भी बहुत जल्दी है। तो आप मेरे इस स्टाइल के चने की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी आपको बहुत अलग लगेगा। ये कुलचे के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, हमारे यहाँ पर कुलचे के साथ इसे ज़रूर खाए जाते हैं, ये बहुत फेमस है। आप इस रेसिपी को घर पर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि कुलचे छोले ना सबको बहुत पसंद आते हैं। आप इस रेसिपी को बनाते रहे, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट के जरिए शेयर कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी आपको रेसिपी बहुत पसंद आ रही होंगी। आप मुझे जितना हो सके प्यार देते रहें। हमारे यहाँ पर इस टाइप के जो छोले कुलचे हैं बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग अक्सर बाज़ार से ला कर खाते हैं, तो मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है।
तो आप इस रेसिपी को घर पर बनाकर देखिए और हमारे यहाँ के फेमस चने कुलचे घर पर खाइए और इसे सैलेड के साथ खाइए तो और भी स्वादिष्ट लगेंगे। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना मत भूलिए, उसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वो भी करना मत भूलिए। आप मुझे जितना आगे बढ़ाएंगे आपके सपोर्ट से मैं उतनी ही नई नई रेसिपीज लाती रहूँगी। ऐसी ही नई और अनोखी रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।